हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करेंगे पार्ट 11। इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे और शेयर जरूर करेंगे इस क्लास को। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या कराऊंगा, आज तीन चैप्टर्स के, ठीक है, आपके पास थ्री चैप्टर्स होंगे यहाँ पर, तो थ्री चैप्टर्स होंगे, हर एक चैप्टर से दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इट मीन सिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश है, मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं करवा रखे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड भी है, मॉडरेट भी है, इजी भी है। चलिए, आप लोगों को पता है यहां पर हमने कंप्लीट रिवीजन तो मैथमेटिक्स का कर लिया है, सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। साइंस के दो टॉपिक आप लोगों को करवा दिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर जाकर देख लेना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस क्लास को। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास आपको डेली 6 PM इवनिंग पर मिल जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को प्लीज अभी आप नोट जरूर कर लें, ठीक है, नोट कर लें आराम से, छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लें, ठीक है। चलिए, सो यहां पर क्या लिखा है, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। देखिए, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये मैं जानता हूं कि आपको प्रॉब्लम्स होती हैं इन क्वेश्चंस में, नहीं तो अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी होती, फैक्टराइजेशन मेथड निकाल के रूट्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन होता तो वो बहुत ईजी हो जाता, आप लोग कर लेते, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होता तो आप कर लेते, बट इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज होती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देना। एक नेचुरल नंबर है तो एज्यूम कर लीजिए, लेट अ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 आपको पता है ये सब, लेट अ नेचुरल नंबर एक्स, एक नेचुरल नंबर एक्स है, सभी लोग ध्यान देना, बहुत प्यार से समझेंगे हम, सही है। देखिए, अब इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर कीजिए, क्या बोला गया है, हुज स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कीजिए, ये नेचुरल नंबर एक्स है तो स्क्वायर करिए इसका, तो स्क्वायर ऑफ ये नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हुआ क्या, क्वेश्चन ने बोला है कि जब नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हमने क्या किया, 84 से डिमिनिश्ड कर दिया, ठीक है, मतलब 84 डिमिनिश्ड, 84 कम कर दिया, इस नेचुरल नंबर में से 84 कम कर दिया, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान देना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको उसको डीपली समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आप मुझसे पहले इक्वेशन बना सकते हैं तो बना लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन बनाना सीखिए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि इस नेचुरल नंबर के स्क्वायर को जब 84 डिमिनिश्ड या फिर रिड्यूस्ड कर दिया या डिक्रीज्ड कर दिया तो क्या हुआ, इस तब एक बात कही है क्वेश्चन ने कि जब इसको 84 रिड्यूस किया तब यह नंबर कुछ हुआ है, इस नंबर पर कुछ हुआ है, यह नंबर किसी नंबर के बराबर हुआ है। अब क्या हुआ है, कितना बराबर हुआ है, कंपैरिजन कर रखा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जब इसको हमने 84 रिड्यूस कर दिया, 84 डिमिनिश्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्राइस ऑफ, ध्यान सुनना, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन गिवन नंबर। ये देखिए ये कराना जरूरी है आप लोगों को, तभी आपको समझ में आएगा कि यहां पर गिवन क्या, नेचुरल नंबर जो भी था, ये सब प्लीज नोट कर लेना, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है, अब ये दिख गया आपको, मतलब ये कि जब हमने किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को 84 कम किया तो वह नंबर क्या हुआ, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नेचुरल नंबर, फिर गिवन नंबर, ठीक है। अब यहां से आप लोग समझना, देखिए थ्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये समझने वाली बात है, यहां पर आप गलती क्या करेंगे वो मैं जानता हूं, आप गलती करेंगे कि थ्राइस ऑफ एक्स लिख दिया और प्लस 8 कर दिया, यह गलती आप लोग सभी लोग, देखिए यहां पर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट करे, सब तो नहीं करेंगे, बट आप लोग समझा दो ये गलती मत करना, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सभी लोग ध्यान से सुनना, तभी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, थ्राइस ऑफ, देखिए थ्राइस ऑफ किसका, 8 मोर देन गिवन नेचुरल नंबर। अब देखिए, अभी मान लीजिए ये भूल जाइए, तो गिवन नेचुरल नंबर का से 8 जाता तो इतना हुआ, गिवन नेचुरल नंबर से 8 ज्यादा उतना हुआ, तो इसी का थ्राइस, ठीक है, पर्टिकुलर इस गिवन नेचुरल नंबर का थ्राइस नहीं कहा उसने, गिवन नेचुरल नंबर का थ्राइस नहीं कहा है, नेचुरल नंबर से भी 8 ज्यादा जो भी नंबर होगा उसका थ्राइस बोला गया है,
तो इसको आपको समझना है यहाँ पर, तो ये होगा इसका, ठीक है। अब मैं आप लोगों से, देखिए मैंने आप लोगों को इतनी बार क्या पढ़ा दिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दूंगा, तो आप लोग मुझे प्लीज सभी लोग इसका आंसर फाइंड करके दिखाना। ये यहाँ आएगा देखिए 448 माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। प्लीज गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ऑलराइट। मुझे इसका आंसर दें आप सभी लोग, ठीक है। इसका आंसर दें कि x कितना होगा सभी लोग, ठीक है। देखिए x को पॉजिटिव, x जो भी होगा पॉजिटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। नेगेटिव में मत जाना, नेगेटिव होता है इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है, वो फिर इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही तो होते हैं नेचुरल नंबर, सो पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर जो भी आएगा आपका एक्स का, देखिए दो रूट्स तो आएंगे जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, दो रूट्स आएंगे। नेगेटिव वाला प्लीज रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव वाला लेना, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 1, 6, 1, 2, 3, 4 यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान देना, ठीक है, मुझे इसका आंसर सभी लोग दे। अब देखिए बिल्कुल बस इतना ही तो सीखना है आपको, ये तो आपको आता ही है, फैक्टराइजेशन मेथड आपको पढ़ा दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया है। चलिए सभी लोग मुझे आंसर दे एक बार, अब मैं इसको रफ करता हूं, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ध्यान से सुनना आप लोग, देखिए ये फिर से आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से जो है आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्लीज एक बार आप सभी लोग नोट जरूर कर लें। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखिए यहाँ पर दो नंबर्स हैं, अब आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसने बोल दिया कि एक लार्जर नंबर है और एक आपका क्या है स्मॉलर नंबर है। सो आप एज्यूम कर लीजिए लेट, पहले लार्जर देखा तो एक काम करिए लेट, देखिए बहुत आसानी से करेंगे, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। अब देखिए जैसा सा क्वेश्चन ने कहा बिल्कुल वैसा ही करिए, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लार्जर माइनस स्मॉलर, ठीक है, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस लार्जर नंबर के स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 180। ये आपको क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है, ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर से आप लोग कहेंगे एक्स और वाई आ रहा है, हम तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो x और y आने ही नहीं चाहिए, तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से आपको करा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। देखिए क्यों नहीं आ सकता बताइए, आ सकता है, बट हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चाहिए, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। उसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर एक सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है, सेकेंड वाली कंडीशन है, उसको पढ़िए। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स अ लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, ठीक हो गया। ये हमारा फर्स्ट केस था और ये हमारा सेकंड केस था, ठीक है। तो बस आप इस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसके आप जो मिड टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है कैसे होगा। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आप लोग प्लस 10 ऑफ एक्स माइनस 118, ठीक है। देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 18 एंड माइनस 10 आ रही है, आपको पता है मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, x माइनस 18 और x प्लस 10। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग x की वैल्यू 18, ठीक है, देखिए x की वैल्यू 18 यहाँ रखिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, 18 रखी, ठीक है। सो y इज इक्वल टू अंडर सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो y इज इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट 144। सो y की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है, एक प्लस का 12 प्लस माइनस 12, इसका तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 12 एंड माइनस 12। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको आप क्या करिए, यहाँ पर सेटिस्फाई करिए, ध्यान सुनना कैसे। देखिए x की वैल्यू माइनस 10 रखने पर, ध्यान सुनना आप सभी लोग, x की वैल्यू यहाँ माइनस 10 रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू माइनस 10 रखेंगे तो सोचिए आप लोग एक चीज, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 8 और x की वैल्यू माइनस 10 रख दिया तो ये चीज गलत है क्या,
ध्यान से सुनना, किसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ रहा है। देखिए आप ध्यान से सुनिए, आप चाहे नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने कहा माइनस टू का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही फोर आएगा, ठीक हो गया। मैंने कह दिया टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर ही आएगा, तो हर केस में प्लस फोर ही आता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी नंबर का स्क्वायर करने में नेगेटिव आंसर आए। सो इसका मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पर से x की वैल्यू माइनस टेन आप नहीं रख सकते। सो x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, सिर्फ 18 रखेंगे। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ पर देखिए आप बात यह है कि y की वैल्यू आप रख सकते हैं 12 एंड माइनस 12, ठीक है। क्योंकि y की वैल्यू देखिए यहाँ 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, एंड वाई की जब माइनस ट्वेल्व होंगे तो माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर भी कितना 144। इसका मतलब सेटिस्फाई होता है यहाँ से कि हमें ये पता चलता है कि x की वैल्यू क्या। देखिए एक बार आप x की वैल्यू 18, ठीक है, एंड y इक्वल टू 12, एंड दूसरी बार x की वैल्यू 18 और y इक्वल टू माइनस 12 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगी उसको, लेकिन माइनस टेन रखने पर सेटिस्फाई नहीं करिए। सो प्लीज रिजेक्ट माइनस टेन। सो एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस टेन, ध्यान सुनना, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? चलिए, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसका आंसर आप लोग कुछ इस वे में सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप दिखा देना x इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे देखिए एक ये नंबर है, मान लीजिए y कोई नंबर होगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करने पर कैसे नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही आता है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इज रॉन्ग, ठीक है। तो आप x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 18 रखेंगे, और 18 रख दिया तो y की वैल्यू 12 तो रख दिया, ठीक है। तो y की वैल्यू देखिए 12 भी रख सकते हैं, माइनस 12 भी रख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू क्या, यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर करेंगे, y अगर 12 रखेंगे 12 का स्क्वायर 144, यस पॉजिटिव है, माइनस 12 करेंगे फिर भी 144, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। आप यहाँ रख के लिख लीजिए, यहाँ रख के देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए, तो ये क्लियर होगा आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। तो x वैल्यू 18, 12 एंड 18, -12। चलिए अब मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग शेयर जरूर कर देना इस क्लास को। चलिए देखिए, तो आइए देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आज तक मतलब अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं करा रखा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया, 3 cubes ऑफ मेटल हूज एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इन टू अ सिंगल क्यूब। देखिए ध्यान सुनिए, इस बार रेशियो में आ गए, तो मान लीजिए लेट द साइड्स ऑफ द क्यूब। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी रेशियो में कोई चीज़, सॉरी जब ये आपको पता है, मतलब जब भी रेशियो में की कोई चीज़ होती है उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप एक्स रख देते हैं उसके आगे से, तो लेट द साइड्स ऑफ अ क्यूब्स आर, क्या लिखेंगे आप, क्या होगा, देखिए 3 और 5, 4 और 5 है, 3x, 4x एंड 5x, ये क्या है, साइड्स हैं तीनों क्यूब्स की। अब तीन क्यूब हैं छोटे, उनको पिघला के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल क्यूब बना रहे हैं। उस क्यूब का, ठीक है, एक सिंगल क्यूब फॉर्म किया हमने तीन क्यूब से। अब देखिए यहाँ पर इस क्यूब का क्या बोला गया है, एक डायगोनल होता है इस तरीके से, आपको पता है। सो डायगोनल ऑफ अ क्यूब दे रखा है यार, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, बताइए क्या होता है रिलेशन, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू a√3 तो होता है, जहाँ पर a क्या होती है, साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज गिवन, जो कि 12√3 दे रखा है। सो यहाँ से देखेंगे √3 से √3 कैसे होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो है साइड 12, ये किसकी है, जो सिंगल क्यूब बन रहा है तीनों छोटे छोटे क्यूब्स को पिघला के, ये उसकी साइड है, ठीक है, a = 12। तो आप लोग ध्यान देना, इन तीनों को अगर हम पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो क्या यूज हो रहा है, वॉल्यूम यूज हो रहा है, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू a³ होता है। तो आपको क्या निकालनी है, तीनों क्यूब्स की साइड्स निकालनी है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू a³, तो एक इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ठीक है, ये किसके बराबर, इन तीनों क्यूब के बराबर, बड़े वाले a³ के बराबर, ठीक है, a³ देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया, 27x³ + 64x³ + 125x³, और ये आ गया 12 का क्यूब। अब देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, देखिए इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो 216x³ आएगा आप लोगों का, ठीक है, और ये है 12 का क्यूब। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको,
ये जो 216 है नीचे आएगा और ये किसका होता है पता है, 6 का क्यूब होता है, किसका होता है 6 का, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 6 का क्यूब। तो बस आप क्यूब रूट ही निकालना है, तो बस ये देखिए क्या होगा, क्यूब रूट पहले से दे रखे आपको 3 से 3 सारे कट जाएंगे और यहाँ से आपका एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन कितना जाएगा 6 आ गया, ठीक है, एक्स इज इक्वल 12 बाय 6 आ गया, क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट निकल जाएगा। अब देखिए आपको पता है ना क्यूब रूट कैसे निकलता है, ये देखिए आप जब आप इसको ऐसे रखेंगे, सॉरी ये देखिए कुछ इस तरीके से है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे तो होगा इस तरीके से, इतना इतना वो मत लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ ध्यान सुनिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचिए, बस हो गया। 3 बार 12 है, इसको एक बार लिख देंगे और 3 बार 6 इसको एक बार लिख देंगे, होता कैसे मैं आपको बताता हूँ, 12 बाय 6 की पावर 3 है और ये है क्यूब रूट, तो 1/3 भी आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 12 बाय 6 और ये 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई, सो 2 आ गई। आप यहाँ रख दीजिए, हमें क्या पूछा था, साइड्स ऑफ द क्यूब पूछा है, तो देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। सो डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है a√3, ये मैंने आपको रिवीजन की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, कौन सी क्लास में, रिवीजन की क्लास, सॉरी हाँ जो हमारी कौन सी, यहाँ पर हाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो हमने क्लास स्टार्ट करी, तो इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ही आपको बता दिया था, ठीक हो गया। चलिए वहाँ पर रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन आपको करा रखा है, और देखिए अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा आप सभी लोगों को, ये a³ और ये बड़ा वाला क्यूब, ठीक है। चलिए अब एक देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका कहाँ से लेके आता हूँ, देखिए सेम क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देना, 3 मार्क्स के अंदर जरूर पूछेगा आपसे, अगर एग्जामिनर ने देख लिया वो क्वेश्चन, अगर उसकी नज़र पड़ गई उस क्वेश्चन पर तो जरूर देगा, इस बात की गारंटी रख लेना, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब कह रहे थे ना जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कुछ हार्ड नहीं है पूरे, यहाँ पर हमने देखा पूरे बुक्स में NCERT कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा बस लैंग्वेज का खेल है, आपको समझना है, बस हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, बस जो लिखा गया स्टेटमेंट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको समझना है बस और कुछ नहीं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है, एक बिल्डिंग है तो किस शेप में है, एक बिल्डिंग है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और सरमाउंटेड बाय, सिलेंड्रिकल शेप है जिस एक बिल्डिंग का जो कि सरमाउंटेड बाय, मतलब सिलेंडर के ऊपर, सरमाउंटेड बाय सिलेंडर के सर के ऊपर क्या है, डोम लगा है, डोम किस शेप का होता है, हेमिस्फीयर शेप का होता है। सो इट मींस यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं आपको कराता हूँ इस तरीके से, एक सिलेंड्रिकल मतलब बिल्डिंग है इस शेप की, कि यहाँ पर उसके टॉप में क्या लगा हुआ है, एक डोम लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक हो गया, ये आपको दिख रहा है। अब डोम किस शेप का होता है, हेमिस्फेरिकल शेप का होता है, ठीक हो गया, ये कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना इसको। देखिए कुछ यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर वॉल्टेड डोम एंड कंटेन्स, एक मिनट वेट करना सभी लोग, वीडियो ऑलराइट सही चल रही है, चलिए, एंड कंटेन्स 41/19/21 m³ ऑफ एयर। यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना एयर कंज्यूम, ये जो बिल्डिंग है ना इसमें क्या है कह रहा, इसमें क्या है कह रहा, कुछ एयर है, अब एयर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, अब एयर कहाँ का है, कहाँ का है मतलब पूरे बिल्डिंग में है, और बिल्डिंग में 2 शेप्स हैं, एक आपका हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, तो इन दोनों का वॉल्यूम ही तो क्या है, किसके बराबर है, जो आपका ये जो दे रखा है, ठीक है, एयर का जो वॉल्यूम दे रखा है उसी के बराबर तो होगा, क्योंकि इसके अंदर ही है एयर, ठीक है, इसके अंदर ही तो है एयर। सो यहाँ पर आप लोग सभी लोग ध्यान देना, सो आपको 41 होल कितना दे रखा है, 19/21 m³ ऑफ एयर इसके अंदर है, तो देखिए अब ऐसे भी यहाँ पर मीटर क्यूब दे रखा, ठीक है, इस पूरे जो सिलेंड्रिकल जो डोम है, सिलेंड्रिकल जो क्या है यहाँ पर, हाँ बिल्डिंग है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, मतलब जिसमें डोम और एक क्या है सिलेंडर है, उसमें कितनी एयर है, पूरी इतनी एयर, तो मतलब वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है इसका और इसका टोटल वॉल्यूम यही है इसका मतलब, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया है। अब देखिए सबसे मेन चीज़ इस क्वेश्चन में दे रखा कि द इंटरनल डायामीटर, एक चीज़ बोली गई है, इफ़ द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट, टोटल हाइट का मतलब ध्यान से सुनना आप लोग, देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है h, और आपको पता है ये होता है रेडियस, तो ये जितना है उतना ये भी, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये भी r, ये भी r, तो आप लोग समझ रहे हैं, देखिए
ये आर और ये एच, ठीक है, एच प्लस आर, ये क्या है, टोटल हाइट है। सो टोटल हाइट कितनी है देखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल हाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना, एच प्लस आर, ठीक हो गया। तो अब ये कह रहा है जो इंटरनल डायमीटर है वो टोटल हाइट के बराबर है, तो डायमीटर कितने किसके बराबर है, एच प्लस आर के बराबर। अब कहाँ डायमीटर कहाँ है हाइट एंड कहाँ रेडियस, बहुत सारा तीनों तीन चीज़ें आ गई, तो एक काम करिए डायमीटर को रेडियस के बराबर रख दीजिए, डायमीटर को 2r लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अभी r यहाँ जाएगा 2r माइनस r एक r, तो r इज इक्वल टू h, यही है वो पॉइंट जो आपको समझना है अब, ठीक हो गया, यही है वो पॉइंट। अब आप सभी लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना वॉल्यूम है देखिए, सो यहाँ पर से आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ, देखना भी कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, जो डोम है जो कि मतलब हेमिस्फेरिकल शेप में है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेमिस्फेयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या है देखिए, यही तो किसके बराबर है, इसको आप देखिए 41 होल 19/21, जब इसको सॉल्व करेंगे सो 880/21 आएगा, ठीक है, 21 into 41, आपको ये तो आपने तो किया ही होगा, 2 होल 3/4, 4 2 8, 8 + 3 11, तो 11/4 लिखते हैं, तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 880/21 आएगा, ठीक हो गया। चलिए तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³। अब यहाँ देखिए ये होता है πr² h, अब h क्या है, r के बराबर तो है, अभी हमने निकाल रखा, सो ये क्या हो गया यहाँ से 2/3 πr³ + πr² h r के बराबर होगा, h = r, तो r² into r, r³ हो जाएगा, इसको आप समझ लेना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 880/21। देखिए इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है यहाँ से आएगा 5/3, कितना आएगा 5/3 πr³ = 880/21। देखिए सो ये आ गया आपका 22/7 और ये r³, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैंने बता दिया 7/3 21, ये 21 और ये 21 कट गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये 40 बार कट गया, ठीक है, और ये 5 8 जाओगे, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब r³ = 8 है, तो r कितना आ गया यहाँ से, r की वैल्यू 2 आ गई। सो टोटल हाइट यहाँ ध्यान देना, ये टोटल हाइट देखिए कितनी आएगी, h प्लस r, h और r बराबर ही है, सो 2 + 2 = 4 cm, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग शेयर जरूर करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सर्कल के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं आपके सर्कल के, ठीक हो गया, πr² h। चलिए आइए, ओके नाउ फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 5th, जो कि सर्कल का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक फिगर आपको दिखेगा आपके एग्जाम में अगर आ गया तो, देखिए कोई फिगर नहीं छोड़ा हमने, मतलब हमने एक ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से आएगा, बस हमारी क्लासेस जितनी हैं मिक्स्ड क्वेश्चन वाली सीरीज और कंप्लीट रिवीजन और कोर्स जो कराया वो सब पढ़ लीजिए, ठीक हो गया। अभी काफ़ी टाइम है आप लोगों का, ठीक है, सब कुछ पढ़िए, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कोर्स नहीं है आपका, ठीक है, 14 ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन में क्या आएगा जा सकता बताइए, यही सब तो आएंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन गई है BOA, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा है, देखिए गिवन फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड AT इज अ टेंजेंट, ठीक है, AT इज अ टेंजेंट, ये लिखिए A और AT, ये डायग्राम आपको दिया होगा, ठीक है, आप प्लीज सभी लोग टेंशन मत लेना, घबराना मत, इसका डायग्राम आपको दिया होगा, AT दे रखा है। एक चीज कर रही है यहाँ पर कि यहाँ से एक लाइन दे रखी है इसको AT को, ठीक है, और ये हमारा B, ठीक है, ये है सेंटर O और ये हमारा Q। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर इन लोगों ने गिवन दे रखा कि जो बी ए ओ क्यू है वो 58 डिग्री है, यू हैव टू फाइंड ए टी क्यू, यू हैव टू फाइंड दिस वन, सो फाइंड ए टी एंड क्यू। दरअसल ध्यान देना इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से, आप खुद करना है इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे खुद निकालना, ठीक है, निकाल के दिखाना, कमेंट में रिप्लाई करना। देखिए कैसे करना है, बच्चे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए आपके पास बी एक डायमीटर मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, जरा सभी लोग ध्यान से, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ सुनना मेरी बात। देखिए ये बी ओ एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि डायमीटर भी है और स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है, ऑलराइट क्लियर है।
अब यहां से देखिए, एक पॉइंट से देखिए एक लाइन जा रही है ओ क्यू। अब यहां से क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी लगा के आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड। जब आपने ये फाइंड कर दिया तो आपको एक चीज और देखिए, जब आप ये फाइंड कर देंगे, सभी लोग ध्यान सुनना, जब आप ये फाइंड कर देंगे आई थिंक 122 समथिंग 122 ही आएगा, तो आप लोग फिर को पता है आपको कि ओ बी क्या है, ओ क्यू के बराबर है। यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। जब ओ बी ओ क्यू के बराबर है, ट्राइंगल ओ बी क्यू में ओ बी क्या है, ओ क्यू के बराबर है, तो यहाँ से पता लगता है कि जब किसी भी ट्राइंगल के दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। और उसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और होती थी, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मतलब ये और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप इनको कुछ भी अस्यूम कर लेना, मान लीजिए एक्स है तो ये भी एक्स, ठीक है, ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर से ये वाला निकलेगा। फिर आप इसमें प्रॉपर्टी लगाना एक्स प्लस एक्स टू एक्स, टू एक्स प्लस। अब देखिए फिर आपको ये भी पता है कि ओ बी क्यू क्या है, ओ बी क्यू क्या है आपका, ओ बी क्यू यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है। सो आपका एक्स प्लस एक्स प्लस ये कुछ होगा, मान लीजिए यह शायद आपका लीनियर पेयर से कितना निकल रहा है, 122 निकल रहा है, इतना इक्वल टू 120, वहाँ से आपका x आ जाएगा, ठीक हो गया, यहाँ से आपका अब x आएगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनना, यहाँ से जब ये x आ जाएगा मतलब ये वाला एंगल आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिस यू नो दैट, मैं आधा करा रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर दिखाना ओ टी, क्योंकि मैं चेक करता हूँ, ठीक है, हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ये ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो आप लोग बस मुझे एक बार आंसर निकाल के दिखाना इसका कितना आ रहा है, मैं देखना चाहूंगा, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। चलिए तो बस मैंने बताया दिया पूरा आपको, आप निकाल देंगे। सो ओ ए आपको पता है यहाँ पर, सॉरी ओ टी नहीं, ओ ए, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए टी, क्योंकि टेंजेंस ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये आपको पता है परपेंडिकुलर है, तो ओ ए टी कितना हो गया, एंगल ओ ए टी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो बस एक बी ए टी, फिर आप देखना ट्राइंगल बी ए टी, ट्राइंगल बी ए टी में देखिए ए एक्स आपने फाइंड किया यहाँ से, ये 90 डिग्री और ये आपका फाइंड जाएगा 180 डिग्री की, मतलब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप लोग इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पर ही छोड़ दिया। अब आप मुझे उसका आंसर प्लीज निकाल के देना, ये वाला, ठीक है, ये कितना होगा ए टी क्यू। अब बी टी क्यू, बी टी ए कहो या क्यू टी ए कहो या ए टी क्यू कहो, टी तो बीच में आ ही रहा है, सिंपल सा। चलिए अब मुझे, अब मैं आपको 6 क्वेश्चन कराता हूं यहां पर इसका। चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहां पर कराऊंगा आपको, ठीक है। देखिए यहां पर आपको इस क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं, जब ऐसा होता है ना, जब बहुत सारा पढ़ लिया होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है पुराना भी आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पुराना जो आपने पढ़ा है वो भी आपको याद करना पड़ता है, कहीं ना कहीं यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं यूज़ होगा, आप सब कुछ पढ़िए। तो यहाँ पर देखना, टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है सर्कल का, ठीक हो गया। यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे करते हैं, तैयार रहिए आप लोग। और आप लोग सबसे पहली चीज, अगर आपको हार्ड क्वेश्चन भी देखने हैं सर्कल के, तो बस आप सर्कल का क्या कर लीजिए, सर्कल का एक तो रिवीजन कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है, सर्कल का रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए, सर्कल का चैप्टर, सर्कल चैप्टर का जो रिवीजन करा रखा है आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट दे रखी है सर्कल चैप्टर का रिवीजन करके, मतलब ऑल चैप्टर से रिवीजन करके प्लेलिस्ट दे रखी है आपको, वहां पर आपको सर्कल भी मिल जाएगा। और सर्कल की काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर देखिए, जब कोर्स स्टार्ट कर रहे थे हम जब हम कोर्स स्टार्ट कर रहे थे टर्म 2 के लिए, तो वहाँ पर सर्कल के 5 लेक्चर्स ले रखे, तो सर्कल क्लास 10 टर्म 2 करके उसको प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रखे। और मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज तो चल ही रही है, इसको भी देखते रहिए, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन भी आपको करा रखे, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए सभी लोग देखिए, ये है आपका 120 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये सेंटर, ठीक है, मान लीजिए सेंटर है और ये इस तरह क्वेश्चन दे रखा, ये ओ है और ये बी है और ये सी है। यहाँ पर देखना आप लोग क्या है इस क्वेश्चन में, जरा सभी लोग ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या रखा, प्रूफ दैट की ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी। मुझे एक चीज़ बताएं सभी लोग, आप लोग देखिए जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करना है, इस दोनों ट्राइंगल को, यहाँ देखा हमने पहले भी, मैंने बता रखा आपको ये क्वेश्चन, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इन ट्राइंगल बी ओ, और ये कितना है, सॉरी ये ए है आपका, इन ट्राइंगल बी ओ ए, बी ओ ए एंड
बी ओ ए एंड सी ओ ए, इसमें आप लोग सिमिलरिटी प्रूफ कर लगाते हैं तो देखिए आपको पता है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल आप खुद लिखते हैं सब, ए बी इक्वल टू ए सी क्यों है क्योंकि क्या है टेंजेंस ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है ये संबंध नहीं लिख रहा हूँ आप लोग लिखना, ओ ए इज द कॉमन कॉर्ड, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज द कॉमन सॉरी कॉमन साइड, ठीक हो गया। जब आप ये प्रूफ करते तो आपको पता लगता है, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ आपको यहाँ पर देखिए बिल्कुल समझना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी मैंने आपको सब करा रखा है ठीक है, ये रेडियस ये टेंजेंट और ये कॉमन साइड ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी इसको प्रूव करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेस ट्रायंगल पढ़ा आपने, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेस ट्रायंगल सीपीसीटी ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रेस ट्रायंगल ठीक है। अब एंगल्स है हमारे पास तो आप क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ पर से हम इनको और इनको सीपीसीटी से सीएसीटी जो होता है आपका ठीक है उससे हम इसको इक्वल दिखा देते हैं, तो यहां से पता लग जाता है कि देयरफॉर बी ए ओ एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ठीक हो गया ये हमने सीपीसीटी से प्रूफ कर दिया। अब देखिए जब आपको ये पता है कि दोनों इक्वल हो गए हैं तो सभी लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए ये दोनों इक्वल इसका मतलब ये पूरा बी ए ओ, तो एंगल बी ए ओ जो है वो क्या है दो गुना होगा किसका बी सॉरी बी ए सी, पूरा बी ए सी किसके दो किसका दो गुना होगा किसका ट्वाइस होगा इस वाले का भी और इस वाले का भी, मतलब इस वाले का भी और इस वाले का भी दोनों का होगा ट्वाइस, तो मुझे अभी जरूरत इस वाले साइड की क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप लोग ए बी और ओ ए है तो ए बी एंड ओ ए इधर वाले ट्रायंगल में है, तो मैं लिखता हूँ कि बी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एंगल बी ए ओ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, बी ए सी कितना है 120 डिग्री। अब आप लोग सभी लोग ध्यान देना ठीक है, ठीक है यहाँ देखिए तो चलिए यहाँ से देखेंगे 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं इतना सब कुछ आपको अभी आपको पता चल जाएगा। सो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको पता लग गया, मतलब अब देखिए वैसे ही पता लग गया दोनों इक्वल थे तो आप लिख सकते थे डायरेक्ट लिख देना ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। चलिए अब देखिए ये 90 डिग्री होता है तो आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये 30 ये भी 30, ठीक हो गया समझ में आया सबको। अब मेरी बात ध्यान सुनना, प्रूफ क्या करना है ओ इज इक्वल ट्वाइस ऑफ ए बी, अब ये कहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाना, कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर जाएंगे आप लोग, ठीक हो गया। देखिए ओ ए और ए बी कौन सी साइड है, देखिए अगर ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेनियस, 30 डिग्री के बारे में बात करें, देखिए ए बी और ओ ए मिले ए बी और ओ ए मिले तो मतलब 30 डिग्री इस एंगल के लिए बात करेंगे, इस एंगल के सामने वाला क्या होगा ध्यान सुनना, अभी इस एंगल के सामने लगे होगा परपेंडिकुलर, ठीक है हाइपोटेनियस हमेशा कॉमन यही होगी, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब जब भी आप यहां पर क्या लगाएंगे देखिए साइन 30 डिग्री लगाना इस ट्राइंगल में, ठीक है सभी लोग ध्यान देना प्रूफ करने के लिए, इन ट्राइंगल बी ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ट्राइंगल में आप लोग क्या करना साइन 30 डिग्री जब लगाएंगे तो आपको दो साइड दिखेंगे, देखिए साइन 30 इस 30 डिग्री के सामने देखिए क्या है परपेंडिकुलर जो कि ए बी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस क्या होगा ओ ए ओ ए। सो आई होप कि क्लियर होगा आपको यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स तो यह थे आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ए बी ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, ये देखिए ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो देखिए फ्रेंड्स ये था हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट करा दिए, मुझे होमवर्क वाले आंसर जरूर दे देना, एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक फिफ्थ क्वेश्चन का, ठीक हो गया फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगी, इस क्लास को आप शेयर करिए, ऐसे ही आपके सामने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को लगता है कुछ और कुछ नया टॉपिक, ठीक है किस टाइप के क्वेश्चंस कराने चाहिए, मतलब जिस चैप्टर में आपको डाउट हो रहा है, ठीक है तो आप लोग मुझे एक बार बता दें, टेलीग्राम में लिंक दे रखी है वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें ग्रुप को, वहाँ से आप व्हाट्सएप से भी ज्वाइन हो सकते हैं हमसे, ठीक है वहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ लें, ठीक है या आपको कुछ नया पढ़ना है, ठीक है मतलब चैप्टर्स आपको जिस चैप्टर में डाउट है मुझे बता दीजिए, मैं वही आपका क्या कर दूंगा वही चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा, मतलब उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस जरूर कर लेना, क्लास की जो टाइमिंग है वो डेली 6 PM की आपको पता है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
एक बार आप इसको देख लीजिए सभी लोग। चलिए सो तब तक के लिए फ्रेंड्स देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।